अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले वीडियो में हमने पेपर पर निकर की कटिंग सीखी और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है निकर की स्टिचिंग। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर मैंने लिंक दे दी हो, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। आज की वीडियो को समझने के लिए पिछला वीडियो देखना जरूरी होगा, तभी तो वीडियो समझ पाओगे आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। अब इसको हम कतरन से बनाएंगे, जब कपड़े पे सियेंगे ना हम, तो कतरन जोड़ जाड़ के हम उसमें फैंसी लुक कैसे दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको ऐसे पलटा कर ही रखना है। अब इसके बाद हम कतरन में से छोटे छोटे कतरन चुनकर हम उसका नाप ले। अब ये देखो ये कपड़ा ऐसा, तो ये बचा हुआ कतरन है ये, तो हम इसको इसके अंदर यूज करेंगे, समझो। ये ऐसे देखिए जो आ रहा है ना, ये बढ़कर ये सब पूरा बराबर ऐसे नाप लगाकर ऐसे निशान डाले। ये ऐसे कतरन को कागज पे रख रख कर काटना है, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। जरा ध्यान से गौर से समझते हुए देखो, इसको यहाँ पर ये हम पट्टी लगाएंगे। ये ऐसे, ये फोर फोल्ड है ये पट्टी। ये पट्टी की लंबाई आप ढाई या तीन इंच ले, ये ढाई इंच चौड़ी है पट्टी। तो ये ऐसे डबल सिल कर ऐसे यहाँ से एक इंच का नेफा आएगा। तो ये देखिए इसके हमने नाप से कटिंग कर ली है, ये चौथा भाग है। ये ऐसे हमको इसमें लगाने के लिए अगर आप चाहो तो झालर लगा सकते हो। तो ये हमने, अब झालर के लिए आप कैसे लोगे, अब ये कपड़ा हम यहाँ पर हमको झालर लगानी है। देखो ये इसकी चौड़ाई है, आप इसको ऐसे लगा कर देखे। झालर हमको सिर्फ सामने से लगानी है या पूरी गोल आगे पीछे से लगानी है, हमको झालर कितनी झालर चाहिए आपको, तो जितनी भी चाहिए ना उसका नाप लें। उसका नाप लेके हमको डबल कपड़ा निकालना है, आपकी मर्जी। गज गज झालर चाहिए तो उसका तीसरा भाग लेते हैं, तीन पर ज्यादा होता है कपड़ा, ठीक है। समझो इसकी चौड़ाई है समझो 13 इंच, तो हमको 13 × 2 = 26, यहाँ सिर्फ सामने की झालर लगा रहे हैं हम, तो ये 26 इंच का आएगा। अगर पीछे भी लगाना है हमको झालर, तो ये 26 × 52। ये देखो झालर पट्टी के लिए कम से कम 1.5 पट कपड़ा होना, हमको यहाँ से यहाँ तक लगाना है। इसकी चौड़ाई समझो 12 इंच है, तो हमको कम से कम 18 इंच का कपड़ा लगेगा कम से कम, अगर आपके पास कपड़े की किल्लत है तो। और ज्यादा से ज्यादा आप तो पता है डबल या ट्रिपल लगता है कपड़ा। तो ये देखिए मैंने इसको झालर की पट्टियाँ निकाली हूँ और इसको हमको एक तरफ से सिलना है। इसकी चौड़ाई है ना 13 इंच है, तो 13 × 2 = 26, 26 इधर लगेगा कपड़ा, 26 इंच, 26 इंच इधर लगेगा, मतलब 52 इंच टोटल हमको कपड़ा चाहिए। तो ये मैंने लेकर इसको 2 इंच, ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी और इसको हमने एक तरह से पूरा सिल लिया है। सारे हमने जॉइंट लगाकर सबको ऐसे अटैच कर लिया। तो ये हम पहले मैंने सियेंगे, पहले स्टार्ट में पक्का करना है। आप चाहे तो इसमें डबल सिलाई लगा ले। इसको ऐसे खोलकर यहाँ से हमको कपड़ा ऐसे प्रेस करना है। ये कपड़ा कॉटन का ही ले, बच्चों की सेफ्टी के लिए। ये चुभने वाला कपड़ा नहीं है, ये पानी में डालते बराबर ना ये नरम हो जाएगा एकदम ऐसे। बहुत अच्छा कपड़ा है ये, कड़क वाला कपड़ा जो होता है ना बहुत चुभता है वो। अब इसके बाद हमको इसके अंदर ये देखो लमने वाले हमने क्रॉस पट्टियाँ काटी है, ये अरबी पट्टी कहते हैं इसको। इसको पहले हमको इसको डबल करना है ऐसे। हमने इसकी चौड़ाई 1/4 इंच रखी है और लंबाई हमको ये इसके अंदाजन ले नाप से ये उल्टा रखना है। ये देख रहे हैं इसके ऊपर हमको यहाँ लगाकर सिलना है। बीच बीच में ऐसे थोड़ा उठाते रहे इसको। इसी तरह हमको इधर भी लगा लेना है। यहाँ जो गोले आ रही है ना, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छाटा है, देख रहे हो ये ऐसे। अब इसके बाद हमको ये पट्टी को पलटाना है, पाइपिंग पट्टी है ये। ऐसे हम इसको, ये सीधा है कपड़ा सीधे तरफ, अब हम इसकी पट्टी लगाएंगे। पूरा हमको ऐसे पलटाना है ऐसे, बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे उठाना है। ये देखिए हमारी पाइपिंग पट्टी लग चुकी है। अब इसके बाद ये उल्टा एरिया है देखो, हमको इसका एक तरफ से एक साइड सिलना है, एक ऐसे 1/2 इंच दूरी पर। इसको ऐसा करके प्रेस कर ले। अगर आप चाहो तो ऐसे यहाँ डबल से सिलाई लगा सकते हो, इधर से भी इधर से भी साइड से। अभी हमको नेफा लगाना नहीं है, आप चाहे तो ऐसे रख कर ऐसे लेते चले, या फिर झालर पट्टी पूरी तैयार कर ले फिर उसके ऊपर रख कर तो फिर अटैच करें, आपकी मर्जी। पहले 2-3 तो सिलाई ऐसे आगे आ जाए, उसके बाद से ऐसे झालर लेते चलनी है। झालर भी बहुत सारे स्टाइल की होती है, बहुत अलग अलग नमूने होते हैं। मैंने अभी फिलहाल 2 वीडियो डाली हूँ झालर के, अभी और बहुत से डालना बाकी है। ये देखिए हमने झालर को अलग से बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लिया है। देखिए ये जो सीधे एनो पर निकर, तो इस गोल राउंड में हम लगाएंगे, इसके यहाँ पर से शुरू करेंगे पूरी लगाना सीधे के ऊपर। ये सीधी झालर लगा रहे हैं हम।
ये हम कतरन का बना रहे हैं इसलिए अलग अलग जोड़ रहे हैं। आप एक अखंड करें तो 2 इंच बढ़कर ले लीजिएगा बस। ये निकर उल्टी रखनी है ऊपर, झालर को सिलने में ना आए, झालर उधर हटा दे ऐसे ऐसे। ये उल्टा कपड़ा ऊपर है, ये सीधी है नीचे, ये कपड़ा ये उल्टा है ऊपर, दोनों उल्टे है, ये भी उल्टा ऊपर है, ये भी कपड़ा उल्टा ऊपर है। अब हमको पहले स्टार्ट में यहाँ से सीना है, ये झालर सीने में ऐसे ना आ जाए, इसको ऐसे इधर दबा कर रखिए, बार बार आप हाथ फिराते रहिए नीचे। तो फजूल जो कतरन होती है ना उसको फेंकिएगा नहीं, छोटी से छोटी भी कतरन आप जमा करके उसको कुछ अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हो उसका, अगर कुछ ना कर सके तो पायदान तो है ही। अभी जो हमने टीप लगाई है इसको हमको ऐसे पलटा कर इसके ऊपर से, ये पीछे वाली सिलाई है ना उसी के ऊपर सिलाई लगानी है हमको, थोड़ा सा हम ऐसे आधा इंच जैसा फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर से हमको ऐसे सिलना है। ये लाल वाली पट्टी लगाने के बाद ये जो सिलाया है इन सबको उधर देना है। ये जो झालर की हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हमने खोलकर निकाल लिया है, देखो लास्टिक डालने से पहले। अब इसके बाद लास्टिक का नाप आप कैसे लोगे, बच्चे की कमर थी 18, 18 से 3 कम 15 इंच का हम लास्टिक लेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखो, आप पहले स्टार्ट में जितना आपको लास्टिक लग रहा है ना तो उतना काट के मत निकाल लीजिएगा, बल्कि वहाँ पर निशान डालिए आप कि यहाँ तक हमको लास्टिक चाहिए, यहाँ से काटना है, या फिर इससे आधा 1 इंच ज्यादा हो सकता है अगर बच्चा हेल्थी है जरा। तो देखिए नाजरीन, ये कतरन कुतरन जोड़कर हमने किस तरह से इसको नया लुक दिया, ये रंगीला फ्रिल निकर बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह तबाता अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।